हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बढ़ती उम्र की महिलाओं को काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं। चलिए आज जानते हैं उन सारी समस्याओं के बारे में जो अक्सर बड़ी उम्र की महिलाओं को होती है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान का तजुर्बा बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे तजुर्बे का भार बढ़ता चला जाता है, शरीर के अंदर बीमारियों का घर भी बड़ा होता चला जाता है। फिर चाहे वो घुटनों का दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, बीपी की प्रॉब्लम हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, ये सारी ही चीजें हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। इसीलिए बड़ी उम्र के साथ साथ महिलाओं को स्पेशली काफी ज्यादा परेशानी होती है और ज्यादातर प्रॉब्लम उनके घुटनों से ही शुरू होती है। घुटनों में सूजन का आ जाना या फिर घुटनों से चल ना पाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को चलने फिरने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बुजुर्ग महिलाएं अपने घुटनों का ऑपरेशन कराती हैं केवल इसलिए ताकि वो चंद कदम अपने हिसाब से और बिना किसी की मदद के चल सके। इसी के साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। किसी को लो बीपी होता है तो किसी को हाई बीपी होता है। इसीलिए अगर आप लो बीपी या हाई बीपी से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज यही होगी कि आप अपने खाने पर फोकस करें और नमक की मात्रा को हमेशा अपने खाने के अंदर बैलेंस में रखें। जरूरत से ज्यादा नमक यानी कि बीमारियों को दावत देना। सो दोस्तों, ये सारी बीमारियां बड़ी उम्र की महिलाओं को ज्यादातर होती हैं और क्योंकि आप सुपर वुमन है इसीलिए आप बीमार नहीं हो सकती। मेरी ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।